हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जी यूनिवर्सिटी की जो कि मथुरा में है उत्तर प्रदेश में नैक की तरफ से इन्हें एक ग्रेड मिला हुआ है फेलोशिप भी अवेलेबल है नैनी की तरफ से ऑब्वियसली पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन आया है सो लास्ट डेट इफ आई एम नॉट ऑन ट्वेंटी ऑफ जून है ठीक है अभी हम इसको कन्फर्म भी कर लेंगे सो so, उससे पहले अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर दैट जी एल ए दी वेबसाइट एंड इसी पे आपको विजिट करना है जब आप इस पर्टिकुलर वेब पेज पे, पे विजिट करेंगे वेबसाइट पर विजिट करेंगे वेजित तो यहां पे आपको सेक्शन दिख रहा है मेन्यू टैब ओके आप डेस्कटॉप पे अगर ओपन करें लैपटॉप पे ओपन करें तो यहां पे आपको ये ऑप्शन दिखेंगे राइट right? सो so इसी में एडमिशन का ऑप्शन होगा यहां हम ओपन करते हैं सो ड्रॉप डाउन में यू कैन सी एडमिशन का यहां पे ऑप्शन है राइट right? इसे हम करेंगे एक्सपैंड देन यहां पे आपको डिफरेंट ऑप्शन दिख रहे हैं जिसमें ओवरव्यू है फीस स्ट्रक्चर है क्राइटेरिया है स्कॉलरशिप है प्रोसीजर है देन यहाँ पे एफिक हैं पी के लिए एडमिशन ओपन है ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा देन रिफंड पॉलिसी गेट इन टच एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे ऑप्शन एंड लास्ट में यू कैन सी पी एडमिशन ब्रोशर का है ऑप्शन तो हम ब्रोशर देखेंगे उससे पहले ये जो फ्लायर है उसे देखते हैं सो एडमिशन ओपन पर हम करेंगे क्लिक देन ओपन हो जाएगा ये पर्टिकुलर फ्लायर ओके यह एडवर्टीजमेंट है सबसे पहले येस yes, जो भी कैंडिडेट्स आई मीन जिनके पास भी एम है या नेट है जीपैट है गेट स्कोर है तो आप सभी यस yes, एग्जामेड है रिटर्न टेस्ट से आप लिए इंटरव्यू देंगे पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों मोड से पी अवेलेबल है डिसप्लिनस की बात करें सो देखिए कंप्यूटर साइंस एंड सॉरी कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन है जिसमें फोटीन सीट्स है कंप्यूटर साइंस सिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फोटीन मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फाइव सिविल फाइव बायोटेक फाइव माइक्रोबाइलॉजी थ्री फिजिक्स फिफ्टीन केमिस्ट्री फोर्टीन इंग्लिश ट्वेंटी टू मैथ्स ट्वेंटी टू फार्मेसी टेन मैनेजमेंट कॉमर्स इकोनॉमिक्स ओवरऑल फिफ्टीन लॉ ट्वेल्व सेंटर फॉर कॉस्मोलॉजी एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस साइंस टेन ओके ये आपके सब्जेक्ट्स थे एंड ये सीट चेंजेस okay? हो सकते हैं नाउ यहाँ पे यू कैन सी जो भी डिजर्विंग स्कॉलर्स होंगे यहां पर वैसे ये नहीं लिखा है कि सबको मिलेगी ओके okay? नाव फीस की बात करें तो लॉ मैनेजमेंट फार्मेसी के लिए फीस है फोर्टी पर सेमेस्टर एंड बाकी डिस्प्लिन के लिए इट तो इज थर्टी थाउजेंड पर्स है मैंड ये सिर्फ फी है दैट इज़ आई थिंक ये ट्यूशन फी होगी कुछ और एडवांस भी होंगे ओके एंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू कब है सो सेकेंड जुलाई को आपका एंट्रेंस होगा उसी के बाद इंटरव्यू होगा सीबीडी होगा जो एंट्रेंस होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा बट जी एल कैंपस पे होगा उसी के बाद डायरेक्टली आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा सेम डे लास्ट डेट की बात करें तो ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जून लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए ये अपडेटेड है एक्चुअली अभी ब्रोशर देखेंगे तो उसमें आपको ट्वेंटी जून देखने को मिलेगा ओके सो यस बाकी यहाँ पे देखिए अप्लाई करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी वन थाउजेंड पे करनी है सबके लिए सेम है ऑनलाइन अप्लाई करना है ऑनलाइन ही अप्लीकेशन फ़ी पे करनी है कोई भी आपको इशू है कोई क्वेरी है आपकी तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं कैंपस का एड्रेस वगैरह भी दिया है एंड ई मेल आई डी पे है डीन रिसर्च एट द रेट इन्हें मेल भी कर सकते हैं राइट ये मथुरा में है उत्तर प्रदेश में सो so, yes, वैसे तो हमने बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन को कवर कर लिया अभी क्राइटेरिया बचा है, तो उसके लिए हम ओपन करते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को सो येस नाउ दिस इज़ द इन्फॉमेशन ब्रोशर यहाँ पे आप बाकी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं uh, सबसे पहले ओवरव्यू है जी एल यूनिवर्सिटी के बारे में देन डॉक्टरल प्रोग्राम की यहाँ पे इंफॉमेशन है ये ओवरऑल है ठीक है इस बार किस में सीट्स हैं क्या किसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ये आपने अभी देख लिया राइट यहाँ पे वैसे डिफरेंट डिफरेंट फार्मा लाइक फार्मास्यूटिकल रिसर्च भी अवेलेबल है देन इंजीनियरिंग के ब्रांचेस हैं आफ्टर दैट यहाँ पे साइंस स्ट्रीम्स भी हैं ओके सो हम स्किप करेंगे इस पोर्शन को राइट right? वैसे एरियाज़ दिए हैं सो so, सपोज आपके आप अप्लाई करना चाहते हैं फिज़िक्स में ओके एंड सीट्स भी हैं तो उस केस में प्लीज़ ये जो एरियाज़ दिए हुए हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कैटेगरीज़ की बात करें सो देखिए फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं जिसमें इंस्टीट्यूट स्पॉन्सर्ड होते हैं जिन्हें फेलोशिप मिलती है देन सेल्फ स्पॉन्सर्ड होते हैं जिन्हें स्टिपेंड नहीं मिलता है और बाकी वो होते हैं जिन्हें और किसी सोर्स से स्टेंड मिलता है ठीक है फेलोशिप मिलती है नाउ पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर भी हो सकते हैं इंटरनल हो सकते हैं एक्सटर्नल हो सकते हैं so सो ये इन्फॉर्मेश्स आगे होगी नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सो देखिए आपके पास फिफ्टी मार्क्स के साथ मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए किन किन सब्जेक्ट्स के लिए सो so, यहाँ पे मैंशन है दैट अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमानिटीज़ के जो भी ब्रांचेस एंड डिसिप्लिन हैं जैसे बायोटेक अप्लाइड फिजिक्स अप्लाइड केमिस्ट्री अप्लाइड मैथ्स इंग्लिश देन लॉ एजुकेशन मैनेजमेंट इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स के साथ मास्टर्स है तो आप एलिजिबल हैं बट एट द सेम टाइम यहाँ पे बाकी सब्जेक्ट जैसे सिविल इंजीनियरिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन दैन मैकेनिकल एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज इन कोर्सेज के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री में सिक्सटी परसेंट मिनिमम मार्क्स होने चाहिए बाकी एस सी एस टी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए है फाइव परसेंट का रिलैक्सेशन नेक्स्ट अगर एम फिल आपने किया है नेट जे आर एफ है गेट जी पैट ऐसा कोई भी स्कोर है आपके पास तो आप एग्जाम टेड है रिटर्न से आप डायरेक्टली इंटरव्यू देंगे नाउ यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस है जो कि फ्लो सॉरी आई मीन फ्लो चार्ट के फॉर्म में है सो देखिए पीएचडी प्रोग्राम आपके पास लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में अदरवाइज़ यहाँ पे भी लिंक है इस पर विजिट करेंगे देन अगर आपने पहले रजिस्टर किया है साइनअप किया है, तो लॉग इन करेंगे अदरवाइज़ आप साइन अप करेंगे स्टूडेंट डैशबोर्ड है उसके बाद आप जो भी इन्फॉर्मेशन होगी फिल करेंगे रजिस्टर करेंगे पेमेंट करेंगे आफ्टर दैट आप स्लॉट वगैरह बुक करेंगे ठीक है देन यहाँ पे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पी एच डी कम्पलीशन के स्टेजेस सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है ओके okay, फिर फर्स्ट एंड सेकेंड सेम में मेनली आपका कोर्स वर्क वगैरह होता है फिर सिनॉप्सिस सबमिशन होता है देन uh, आपका प्रोग्रेस वगैरह जो सबमिट होता है वो होता है ठीक है ये पूरे स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए थे मेनली तो आप इसे एक बार देख सकते हैं ये यूजुअली सभी इंस्टीट्यूशंस में फॉलो होता है ठीक है सो यस आफ्टर दैट यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो इन्हें ध्यान में रखिएगा इन्हें देख लीजिए एप्लीकेशन फ़ी वन थाउजेंड है आपको ऑनलाइन ही पे करना है अगर आप चाहते हैं एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में अप्लाई करना तो आपको अलग अलग फ़ी पे करनी होगी दो डिपार्टमेंट टू थाउजेंड ओके कोर्स फी स्ट्रक्चर की बात करें सो आपने देख लिया है बाकी आप लिंक पर विजिट कर सकते हैं फ़ी का ऑप्शन था वहाँ से जा के देख सकते हैं नाउ फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप सो ट्वेंटी पर मंथ है जो कि डिजर्विंग फुल फुल टाइम पी एच स्कॉलर्स को मिलेगी आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट डेट्स का है सेक्शन एंड यहाँ पे देखिए ट्वेंटी जून लिखा है बट आपने देखा जो लेटेस्ट अपडेटेड फ्लायर एडवर्टीज़मेंट है उसमें ट्वेंटी फिफ्ट जून है सो so येस yes, आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू सेकेंड जुलाई को होगा देन यहाँ पे बाकी इंफॉमेशन भी है इस इंस्टीट्यूशन इस यूनिवर्सिटी के बारे में सो गाइज येस दैट इज़ इट फॉर टुडे अगर आपको कोई और इन्फॉमेसन चाहिए हो तो आप इन्हें मेल कर सकते हैं इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नंबर्स पे एंड एक बार हम बाकी जो ऑप्शन थे उन्हें एक्सप्लोर कर लेते हैं बिफोर साइनिंग ऑफ सो so ये yes, सबसे पहले ये है एडमिशन पोर्टल या आई एम सॉरी एक्चुअली एप्लीकेशन पोर्टल यहाँ पे नंबर वगैरह भी दिख रहे हैं बाकी आपको जब अप्लाई करना है रजिस्टर करना है तो आप यहाँ पे क्लिक टू रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं बाकी एज आई ऑलरेडी सर कि यहाँ पे देखिए और भी ऑप्शन हैं यहाँ पर एडमिशन पोर्टल को ओपन कर आई I मीन mean, इस सेक्शन को एक्सपैंड कर लीजिएगा सबसे पहले एंड वे सो so, जैसे yes, इसे आप ओपन करेंगे उसके बाद यहाँ पे जैसे फी स्ट्रक्चर है उसके अलावा स्कॉलरशिप की डिटेल्स होंगी एंड एफ हैं तो एक बार इन सभी को देख लीजिएगा रिफंड पॉलिसी भी आप देख सकते हैं सो दैट इज़ इट फॉर टुडे एंड अगर आप अप्लाई करना चाहें तो कर लीजिएगा एंड येस yes, अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है सो थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो डू शेयर दिस वीडियो डू लाइक दिस वीडियो एंड येस कमेंट भी आप कर सकते हैं अगर आपको कोई इशू हो कोई करेक्शन हो कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो सो दैट इज़ इट फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग